lecture series of mathematical modeling of manufacturing processes with subject code KME073 i am dr suman gotwal working as an assistant professor in the department of mechanical engineering at ajay kumargunj engineering college ghaziabad so in our last lecture we started the non traditional machining process or the unconventional machining processes and we discussed about the what is the unconventional machining process how we can classify these processes on the basis of different types of energies and what is the needs and benefit of these processes and then we discussed one of the important non-traditional machining process that is the electro discharge machining in today's lecture we are going to discuss about the working mechanism of the uh, uh, other non-traditional machining processes so lecture is divided into two parts part 1 and part 2 because there are many processes so we cannot cover all the processes in one lecture so these will be the outline of today's lecture first we are going to discuss about the agm working principle of agm agm is the abrasive jet machining process and then we will discuss the process parameters means what are the parameters which can affect the quality and the finishing of the uh, machining operation then we are going to discuss about the usn that is the ultrasonic machining so we will discuss the working mechanism and the process parameters of the usm and after that we are going to discuss about the advantages and disadvantages of the ajm and usm process so we will discuss oh, both the processes in detail in the coming slides so first we will discuss about the abrasive jet machining so abrasive jet machining mein kya hai? इन अब्रेसिव जेट मशीनिंग बेसिकली द मेटीरियल रिमूवल फिल अकर ऑन अकाउंट ऑफ इम्पैक्ट ऑफ हाई वेलोसिटी एयर और गैस स्ट्रीम ऑफ अब्रेसिव पार्टिकल्स ऑन दर्क पीस सरफेस ओके तो ये जो है यहाँ पर ए जे एम जो है उसमें हम मैकेनिकल टाइप की एनर्जी जो है वो यूज़ कर रहे हैं और यहाँ पर इरोजन के थ्रू जो है मेटेरियल रिमूव होगा अब जैसे कि इसका नाम इंडिकेट कर रहे हैं हेयर वी विल यूज़ अब्रेसिव पार्टिकल्स एंड यहाँ पे जो मीडियम होगा वो हम हाई वेलोसिटी पार्टिकल्स को यूज़ कर रहे हैं हाई वेलोसिटी एयर जो है वो यूज़ होगी या गैस स्ट्रीम जो है वो यूज़ होगी एंड दैट विल कम इन द फॉर्म ऑफ द जेट और इसका जो इम्पैक्ट होगा वर्क पीस मटीरियल पे दैट विल इरोड द मेटीरियल फ्रॉम द वर्क पीस सो दिस विल बी द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ अब्रेसिव जेट मशीनिंग अगर हम डाइग्राम की बात करें तो डाइग्राम में वी कैन सी है दिस इज दी नोजल थ्रू विच द मिक्सचर ऑफ द गैस विच इज इन विच वी आर यूजिंग द एयर एंड द अब्रेसिव पार्टिकल आर कमिंग आउट ओके नोजल के थ्रू ये पार्टिकल्स आ रहे हैं और इनकी जो है बहुत हाई स्पीड से ये पार्टिकल आते हैं कि ये जेट की फॉर्म में जो है वर्क पीस से स्ट्राइक करें तो ये यहाँ पे अगर वेलोसिटी की बात करें तो 150 हंड्रेड फिफ्टी टू थ्री हंड्रेड मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ये पार्टिकल्स जो है वो वर्क पीस पर स्ट्राइक करते हैं द नोजल टिप ये जो है दिस इज़ दी नोजल टिप नोज़ल टिप जो है वो टंगस्टन कार्बाइड की बनी हुई होती है ठीक uh, है जनरली हम टंगस्टन कार्बाइड की नोजल टिप को यूज़ करते हैं दिस इज़ आर वर्क पीस फ्राम विच वी वॉन्ट टू रिमूव द मटेरियल। अब यहाँ पे देखिए द नोजल टिप जो डिस्टेंस है और द वर्क पीस का सर नोजल टिप सरफेस एंड द वर्क पीस के सरफेस का जो गैप uh, है दैट इज़ दी नोजल टिप डिस्टेंस और एस ओ डी स्टैंड ऑफ डिस्टेंस ओके और ये जो स्टैंड ऑफ डिस्टेंस है वो पॉइंट थ्री टू ट्वेंटी एम एम तक की रखेंगे एंड दिस इज़ दी व्यर्थ व्यर्थ जो होगी वो पॉइंट वन एट टू पॉइंट एट एम एम तक की ये जो है व्यर्थ होगी ओके okay? अब हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे दिस इट इज़ ऑल्सो नॉन बाय सेवरल अदर नेम जैसे कि इसको इस प्रोसेस को हम अब्रेसिव माइक्रो ब्लास्टिंग प्रोसेस भी बोल सकते हैं पेंसिल ब्लास्टिंग प्रोसेस भी बोलते हैं और माइक्रो अब्रेसिव ब्लास्टिंग भी बोलते हैं ठीक है दिज आर दी अदर नेम ऑफ दिस अब्रेसिव जेट मशीनिंग दिस इज एन इफेक्टिव मशीनिंग मैथड फॉर हार्ड एंड ब्रेटल मटीरियल तो हार्ड और ब्रेटल मटीरियल की जहाँ पे बात होती है वहाँ पर हम अनकन्वेंशनल मशीनिंग ऑपरेशन को प्रेफरेंस देते हैं तो हार्ड और बिटल मटेरियल का अगर केस होगा तो हम एब्रेसिव जेट मशीनिंग को यूज़ कर सकते हैं सो इट विल बी ए वेरी इफेक्टिव मशीनिंग मैथड सच एज दी ग्लास सिलीकन टंगस्टन और सिरामिक मीन्स अगर ये वाले मटेरियल के पे हमें मशीनिंग करनी है तो हम इनको अब्रेसिव जेट मशीनिंग को यूज़ कर सकते हैं टिपिकली द प्रोसेस इज़ यूज फॉर कटिंग द इंटीग्रेट शेप्स और फॉर्म ऑफ स्पेसिफिक Ages. कोई स्पेसिफिक एश की फॉर्मेशन होनी है या कोई कॉम्प्लेक्स शेप है इंटीग्रेट शेप जो कि डिफिकल्ट है मशीन करनी कन्वेंशन मशीनिंग ऑपरेशन की हेल्प से सो so, उस केस में हम अब रेसिजेट मशीनिंग को यूज़ कर सकते हैं द प्रोसेस इज इनहेरेंटली फ्री फ्रॉम द चैटर यहाँ पे जो है ये वाले इश्यूज नहीं होंगे जैसे कि चैटरिंग का कोई इशू नहीं होगा यहाँ पर वाइब्रेशंस जो है वो भी यहाँ पर नहीं होंगी एंड द हीट प्रॉब्लम जो है वो हीट प्रॉब्लम भी नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे टूल जो है वो नेवर टच द सब्ट्रेट यहाँ पे क्योंकि जो हमारा टूल है जो हमारी नोजल है वो कभी भी वर्क पीस को टच नहीं करेगी तो यहाँ पर वो हीट अफेक्टेड जोन जो होगा या हीट के कारण जो इश्यूज़ होते हैं रेजिटुअल स्ट्रेसेज इंड्यूस हो जाते हैं वो सब प्रॉब्लम जो है यहाँ पे नहीं होंगी सो दिस विल बी द एडवांटेज ऑफ दिस प्रोसेस अगर हम वर्किंग मैकेनिज्म की बात करते हैं तो वर्किंग मैकेनिज्म क्या होगा बेसिकली यहाँ पे हम अब्रेसिव पार्टिकल्स यूज़ कर रहे हैं कौन से अग्रेसिव पार्टिकल्स यूज़ कर रहे हैं जिनकी की साइज आपका वेरी कर सकता है टेन माइक्रोमीटर टू फिफ्टी माइक्रोमीटर ठीक है यहाँ पे जो एब्रेसिव पार्टिकल का साइज है वो 10 माइक्रोमीटर से 50 माइक्रोमीटर के बीच का हो सकता है अब ये किस पे डिपेंड करेगा ये डिपेंड करेगा कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है वेदर वी वॉन्ट टू मशीन the और वी वॉन्ट द फिनिशिंग ऑपरेशन operation ओके सो इट विल डिपेंड ऑन on टाइप ऑफ ऑपरेशन टू बी कैरियड आउट ऑन दी वर्क workpiece ओके तो यहाँ पे एब्रेसिव पार्टिकल्स को यूज़ करेंगे और वो जो है गैस के साथ यूज़ होगा एयर के साथ मिक्स करेंगे उन पार्टिकल्स को एंड दैट विल कम आउट फ्रॉम दी नोजल ओके एट वेरी हाई स्पीड तो स्पीड जो है वेलोसिटी जो है वो 150 टू 300 मीटर पर सेकंड के इक्वल होगी नाउ अगर साइज की बात करें तो स्मॉलर अब्रेसिव पार्टिकल जो है वो यूज़ करेंगे अगर हमें फिनिशिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना है और लार्ज साइज के पार्टिकल्स जो है वो यूज करेंगे अगर हमें कटिंग कटिंग ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करना है क्लियर नाउ द अब्रेसिव पार्टिकल दीज एब्रेसिव पार्टिकल्स विच आर मिक्स विद द एयर दिज विल बी डायरेक्टेड टुवॉर्ड्स द वर्क पीस थ्रू विद द हेल्प ऑफ नोजल ये जो नोजल प्रोवाइड है इसकी हेल्प से वो वर्क पीस की तरफ उनको मूव करेंगे ओके एंड जहाँ पे भी हमें कटिंग ऑपरेशन जैसे कटिंग ऑपरेशन हमें यहाँ परफॉर्म करना है तो दिस विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द वर्कपीस विद द हेल्प ऑफ द नोज़ल ओके एंड यहाँ पे जो है हम एक गैप को मेंटेन करेंगे किसके बीच में टूल टिप और वर्कपीस सरफेस के बीच में जो गैप है उसको हम मेंटेन करेंगे इसके बाद जैसे ही अब्रेसिव पार्टिकल इम्पैक्ट करेंगे जो जैसे ही अब्रेसिव पार्टिकल जो है वो स्ट्राइक करेंगे वर्क पीस सरफेस पे तो क्या होगा कि यहाँ पे जो है स्मॉल फ्रैक्चर विल टेक्स प्लेस तो यहाँ पे वर्क पीस जो है वो फ्रैक्चर हो जाएगा क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा हाई इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा हाई वेलोसिटी से जो है ये स्ट्राइक करेंगे इसको तो मेटीरियल इरोड होना स्टार्ट हो जाएगा फ्रैक्चर हो जाएगा सरफेस पे एंड द मेटीरियल इरोजन विल अकर बाय द चिपिंग एक्शन अब जो है जो पार्टिकल है पार्टिकल इम्पैक्ट जो है उसके कारण जो है क्या हो रहा है यहाँ पे फ्रैक्चर हो रहा है ओके इट विल कॉज दी फ्रैक्चर एंड वियर ऑल्सो सो विच इज़ कैरिड अवे बाय दी गैस अलोंग विद दी अब्रेसिव पार्टिकल्स अब यहाँ पे जो है फ्रैक्चर हो गया चिपिंग एक्शन के कारण ठीक है तो यहाँ पे ये यह क्या होगा इट विल बी कैरिड अवे विद द हेल्प ऑफ द गैसेस अब गैसेस इतनी हाई वेलोसिटी से आ रही है तो ये जो है जो भी आपका मटेरियल फ्रैक्चर होता जा रहा है उसको यहाँ से साइड कर देंगे ओके एंड द अब्रेसिव पार्टिकल्स एक बारी जो आपने यूज कर लिया उसको री नहीं कर सकते क्योंकि जब अब्रेसिव पार्टिकल ने यहाँ पे स्ट्राइक किया तो जो उसके शार्प पॉइंट थे कैसे हो गए ब्लंट हो गए और राउंड हो गए तो आपके अब्रेसिव पार्टिकल्स जो है उनकी शेप भी चेंज हो जाती है और दूसरा जो है उसके अंदर जो वर्क पीस का मटेरियल वो भी क्लोब्ड हो जाता है अब्रेसिव पार्टिकल्स के अंदर जब वो स्ट्राइक करते हैं तो इस वजह से हम इन अब्रेसिव पार्टिकल को फिर से यूज़ नहीं करते तो हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर वर्किंग प्रिंसिपल क्या होगा तो दिस इज़ दी वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ दी

Uh, यहाँ पे हमने इशिकावा कॉज एंड इफ़ेक्ट डायग्राम यूज़ किया है तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसके प्रोसेस पैरामीटर्स क्या हैं जो कि वर्क uh, पीस की फिनिशिंग या मशीनिंग जो है प्रोसेस को या क्वालिटी जो है उसको अफेक्ट करेंगे दैट आर द प्रोसेस पैरामीटर्स सो यहाँ पे ब्रॉड क्लासिफिकेशन अगर हम देखें तो वर्क पीस मटीरियल है नोजल है गैस है और अब्रेसिवस है दीज आर द 4 process parameters of the AGM process, which will affect the performance of this AGM process. So, in case of the uh, abrasive types. अगर हम अब्रेसिव के टाइप्स की बात करें तो अब्रेसिव के टाइप में उसके अब्रेसिव कौन से टाइप का हम यूज़ कर रहे हैं उसकी कॉम्पोजिशन क्या है स्ट्रेंथ क्या है और उसका साइज़ क्या है या मास फ्लो रेट क्या है ये सब जो है अब्रेसिव पार्टिकल के अंदर हम कंसिडर करेंगे अगर गैस की बात की जाए तो गैस की कंपोजिशन क्या है कितने प्रेशर पर हम गैस को यूज़ कर रहे हैं और क्या वेलोसिटी से गैस जो है वो आ रही है तो ये सारे फैक्टर्स हैं वो हम गैस के पैरामीटर्स में देखेंगे अगर वर्क पीस मटेरियल की बात करें तो वर्क पीस मटीरियल का टाइप क्या है कौन से टाइप का वर्क मटेरियल यूज़ कर रहे हैं और नोज़ल का अगर देखें तो नोज़ल में जो है उसकी जीमेट्री क्या है मटेरियल क्या है नोजल का नोजल बनाने के लिए कौन सा मटेरियल यूज़ हुआ है फीड रेट क्या है या स्टैंड ऑफ डिस्टेंस क्या है तो दीज आर द प्रो, प्रोसेस पैरामीटर्स विच कैन अफेक्ट द क्वालिटी एंड द परफॉर्मेंस ऑफ दी एजेएम जैसे कि अब्रेसिव की अगर बात करें तो अब्रेसिव को साइज कौन सा ले रहे हैं टाइप कौन सा ले रहे हैं हम ठीक है ये सब जो है आ, हम देखते हैं कि अब्रेसिव जो है स्मॉल साइज़ के लेंगे अगर हमें फिनिशिंग करना है बड़े साइज़ के लेंगे अगर हमें कटिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो और हम जो है अगर कटिंग हम यूज़ कर रहे हैं तो कटिंग के लिए मोस्टली जो है हम एल्युमिनियम ऑक्साइड या सिलिकन कार्बाइड के अब्रेसिव्स यूज़ करते हैं लेकिन अगर क्लीनिंग या एचिंग या पॉलिशिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो हम जो है मोस्टली ग्लास बेड्स या फिर डोलोमाइट्स को यूज़ करते हैं ऐसे ही अगर गैस की बात करें तो गैस जो है हमारी नॉन टॉक्सिक होनी चाहिए चीप होनी चाहिए इजीली अवेलेबल होनी चाहिए गैस ओके तो कॉमनली जो गैस हम यूज़ करते हैं दैट इज़ दी नाइट्रोजन गैस या फिर एयर यूज़ कर सकते हैं या फिर कार्बन यूज़ कर सकते हैं अगर हम वेलस्टी की बात करें एब्रेसिव मिक्सचर की तो द दैलेसटी ऑफ एब्रेसिव मिक्सचर वो बेसिकली जो है वो डिपेंड करेगी कि नोज़ल का डिज़ाइन क्या है नोज़ल का साइज़ क्या है या नोज़ल में प्रेशर जो है या एग्रेसिव पार्टिकल साइज़ है, तो इन सब पे जो है वेलोसिटी ऑफ गैस जो है वो डिपेंड करती है स्टैंड ऑफ डिस्टेंस की अगर हम बात करें स्टैंड ऑफ यहाँ पे हम देख सकते हैं इफेक्ट ऑफ स्टैंड ऑफ डिस्टेंस ऑन एक्यूरेसी एक्क्यूरेसी कट तो स्टैंड ऑफ डिस्टेंस जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है इफ़ यू वांट टू इफ़ यू वांट द एक्यूरेसी इन आर मटीरियल तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अगर स्टैंड ऑफ डिस्टेंस पॉइंट एम uh, एम mm है तो हमें एक एक्यूरेसी मिल रही है हमारे कट के अंदर लेकिन जैसे जैसे जो है ये डिस्टेंस स्टैंड ऑफ डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज़ हो रही है यहाँ पे देखिए ये जो कॉर्नर है ये आपके कर में चेंज होता जा रहा है यहाँ पे जो है डेप्थ कम हो रही है लेकिन जो विर्थ है वो कट की इंक्रीज़ होती जा रही है और यहाँ आके जो है वो कट आपका इस तरह से हो गया सो स्टैंड ऑफ डिस्टेंस इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर नाउ वी कम टू दी अल्ट्रासोनिक मशीनिंग सो अगर अल्ट्रासोनिक मशीनिंग की बात की जाए तो अल्ट्रासोनिक मशीनिंग जो है इसके अंदर भी अग्रेसिव पार्टिकल्स यूज किए जा, जा रहे हैं ठीक है सो अल्ट्रासोनिक मशीनिंग इज ए सबट्रेक्टिव मशीनिंग प्रोसेस इसमें भी मेटेरियल को रिमूव कर रहे हैं हम लोग तो ये सब हो गई नेचर के अंदर एंड देट विल रिमूव द मेटेरियल फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द्रू द हाई फ्रीक्वेंसी लो एम्पलीटूड वाइब्रेशन ऑफ ए टूल अगेंस्ट द मटेरियल सरफेस इन द प्रेजेंस ऑफ द फाइन अब्रेसिव पार्टिकल्स सो यहाँ पे भी अब्रेसिव पार्टिकल्स को यूज़ किया जा रहा है लेकिन यहाँ पे हम एक टूल जो है वो यूज़ करते हैं और ये टूल जो है वो बहुत हाई फ्रिक्वेंसी से जो है ओसीलेट करता है लेकिन उसका एम्पलीट्यूड कम होता है ठीक है लो हाई फ्रिक्वेंसी होती है लेकिन लो एम्पलीट्यूड होता है और ये वाइब्रेट करता रहता है ओसिलेट करता रहता है ये टूल और इसको कॉन्टिन्यूसली जो है वो फीड किया जाता है टूअर्स दर्क पीस सो हे वी कैन सी दैट देयर इज ए लोडिंग सिस्टम टू फीड द टू फीड दिस टूअर्स दर्क पीस सर्फेस दिस इज द दर्न दिस दिस पोर्शन इज़ नॉन एज द कॉर्न एंड दिस इज दॉन एंड दिस इज द टूल दिस वन इज द टूल यहाँ पे जो है वहाँ पे इन केस ऑफ द एजेम वी वर यूजिंग द एब्रेसिव पार्टिकल्स विद विथ गैस बट हेयर वी आर यूजिंग द एब्रेसिव स्लरी तो एब्रेसिव स्लरी यहाँ पे यूज किया जाता है यहाँ पे देखिए ये पंप है पंप की हेल्थ से अब्रेसिव को स्लरी को वर्क पीस और टूल का जो गैप है इसके बीच में प्रोवाइड किया जाता है एज ए मीडियम टू ट्रांसफर दी एनर्जी एंड आफ्टर इट हैज़ वर्ग्ड देन इट विल Collect here and from here it will again go to the pump after the filtration process. Okay. So, this is also the same process. ठीक है यहाँ पे स्टैटिक लोड होगी और वाइब्रेशंस होंगी जिनकी फ्रिक्वेंसी ट्वेंटी टू फोर्टी के जी एड के इक्वल होती है इट इज़ यूज टू इरोड द मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ द फाइन होल्स और द केविटीज इन द हार्ड और ब्रिटल वर्क पीस सो यहाँ पे भी हार्ड और ब्रिटल वर्क पीस ही यूज़ किया जा रहा है और यहाँ पे जो है मटेरियल को ये इरोड कर सकता है फाइन होल्स की टर्म में या फिर कैविटीज को भी क्रिएट कर देता है ये थ्रू द यूज ऑफ द फॉर्म टूल टूल जो है टूल की जो शेप होगी दैट विल बी द शेप ऑफ द फाइनल वर्क पीस ऑल्सो ठीक है तो यहाँ पे जो है तो यहाँ पे भी रेप्लिका हमें मिलेगा वर्क पीस में जो टूल की शेप होगी वैसा ही थ्रू द यूज़ ऑफ द फॉर्म टूल वाइब्रेशन ऑफ हाई फ्रिक्वेंसी अलॉन्ग विद यूज़ ऑफ द सुटेबल अब्रेसिव स्लरी मिक्स अब्रेसिव सिलरी मिक्स को एज ए मीडिया यहाँ पर यूज़ करना है तो अगर इसके वर्किंग प्रिंसिपल की बात करें तो वर्किंग प्रिंसिपल में क्या होगा बेसिकली ये जो यूएसएम प्रोसेस है यहां पे एक टूल को यूज़ कर रहे हैं हम जो कि क्या कर रहे हैं टूल को यूज़ कर रहे हैं जिसमें कि बहुत हाई फ्रीक्वेंसी से ये ऑसिलेट करता है लो एम्पलीट्यूड होता है ओके एंड यहाँ पे जो है कटिंग टूल ओ करेगा फ्रीक्वेंसी जो होगी वो 22 टू फोर्टी के एज तक होगी ओके एंड द शेप ऑफ द टूल ये मैंने आपको अभी बता दिया है कि जो शेप जो होगी वो टूल की वो कॉरस्पॉन्डिंग टू द शेप ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ द वर्क पीस की हमें जो है वर्क पीस में क्या शेप चाहिए उसके अकॉर्डिंग हमारे टूल की शेप होगी यहाँ पे अग्रेसिव जो ग्रेन्स हैं दीज आर ड्रिवन बाय दी हाई स्पीड रेसिप्रिकोशन अक्रॉस दी स्मॉल गैप्स ये बहुत ही हाई स्पीड से आती हैं और ये जो है इस गैप के बीच में जो है अब्रेसिव स्लरी को पास किया जाता है ठीक है और यहाँ पे यूनिफॉर्म फोर्स जो है वो यूज़ किया जाता है यहाँ पे हम देख सकते हैं लोडिंग सिस्टम है तो यूनिफॉर्म फोर्स है उसको यूज़ किया जाता है टूल को फीड करने के लिए एंड जो ये आपकी एब्रेसिव स्लरी जो पास कर रही है और टूल जो है वाइब्रेट कर रहा है तो ये क्या करेगा डायरेक्ट करेगा एब्रेसिव पार्टिकल्स को टुअर्ट्स दी वर्क एंड यहाँ पर जो है ये हाई इम्पैक्ट जो है वो क्रिएट करेंगे ऑन दी वर्क पीस जब वो स्ट्राइक करेंगे वर्क पीस पे तो ये जो इम्पैक्ट uh, होगा अब्रेसिव का वो होगा एनर्जी सोर्स दैट विल दी विद एनर्जी सोर्स विच इज विच विल बी मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिमूवल ऑफ द मटेरियल फ्रॉम द पीस एंड यहाँ पे जो अब्रेसिव के थ्रू जो है आपका वर्क uh, पीस uh, जो मटेरियल है जो रिमूव हो रहा है दैट विल बी कैरियड अवे विद द अब्रेसिव स्लरी अब्रेसिव स्लरी जो है उसको वो साइड कर देगी और ग्रेजुअली जो है यहाँ पे टूल का वियर भी होगा क्योंकि कहीं ना कहीं वो अब्रेसिव पार्टिकल से भी स्ट्राइक कर तो यहाँ पे वियर जो है वो टूल का होगा बिकॉज ऑफ दी अब्रेसिव एक्शंस सो यहाँ पे जो है टूल हमारा टफ मटेरियल का होना चाहिए क्लियर टफ मटेरियल के टूल को हम यहाँ यूज़ करेंगे सो दिस इज़ द अल्ट्रासोनिक मशीनिंग सो दिस इज़ द मैकेनिज़्म ऑफ द मटेरियल रिमूवल कि मटेरियल रिमूवल जो होगा वो कौन कौन से रीज़न से हो सकता है यहाँ पे जो है मटेरियल रिमूवल है मैकेनिकल ऑब्रेशन हो सकता है इम्पैक्ट के थ्रू मटेरियल रिमूवल हो सकता है इरोजन हो सकता है या केमिकल एक्शन हो सकते हैं सो मैकेनिकल ऑब्रेशन की जब बात करेंगे तो मैकेनिकल ऑब्रेशन अकर्स ड्यू टू द हैमरिंग इफेक्ट ऑफ द अप्रेसिव पार्टिकल ऑन दर्क पीस थ्रू द टूल बिकॉज टूल इज़ वाइब्रेटिंग टूल जो है वो वाइब्रेट कर रहा है और अब्रेसिव पार्टिकल जो स्लरी है वो इसके कॉन्टेक्ट में है मींस जो गैप जो है वो उसके बीच में अब्रेसिव स्लरी जो है वो पास कर रही है अब जो है ये जो हैमरिंग इफेक्ट होगा क्योंकि वो वर्क पीस पर स्ट्राइक कर रहे हैं तो हैमरिंग इफेक्ट को क्रिएट कर रहे हैं वर्क पीस पे तो इस वजह से भी मटेरियल जो है वो रिमूव हो सकता है इम्पैक्ट मींस जो फ्रीली मूविंग जो पार्टिकल्स हैं उसका भी अपना एक इम्पैक्ट होगा वो भी सर्टेन वेलोसिटी से जो है वर्क वर्क पीस पे स्ट्राइक करेंगे एंड दैट विल रिजल्ट इन द माइक्रो चिपिंग चिप्स बहुत छोटी छोटी स्मॉल पार्टिकल्स जो हैं वो फॉर्म हो जाएंगे चिप्स के फॉर्म में इरोजन इरोजन के थ्रू भी जो है मैटेयल रिमूव हो सकता है तो इरोजन में क्या होगा ड्यू टू दैविटेशन इफेक्ट मटेरियल रिमूव होगा तो कैविटीज फॉर्म होंगी सो ड्यू टू दैविटेशन इफेक्ट ऑफ द अब्रेसिव स्लरी इरोजन ऑफ द वर्क पीस विल अकर नाउ वी कम टू दैमिकल सो ड्यू टू द फ्लूड दैट इज इम्प्लॉयड विद दब्रेसिवस दैट केमिकल इफ़ेक्ट कैन कम इन टू कंसिड्रेशन तो वो भी चांसेस हो सकते हैं कि जो फ्लूड हम यूज कर रहे हैं वो भी रिएक्ट करें और उस रिएक्शन के थ्रू भी मटेरियल रिमूव हो जाए सो इन यू एस एम प्रोसेस दे आर आर नो फिजिकल कैमिकल और थर्मल चेंजेज वर्क पीस के में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे इनकेस ऑफ द यू एस एम कोई फिजिकल चेंज नहीं होगा केमिकल चेंज नहीं होगा थर्मल चेंजेस नहीं होंगे इवन माइक्रो स्ट्रक्चर्स ये रिलीव करता है कि यहाँ पे कोई स्ट्रक्चरल चेंजेस भी नहीं आएंगे वर्क पीस के अंदर ओके okay? कोई स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं आएंगे यहाँ पे जो स्ट्रेसेस इंड्यूस होंगे वो भी जो है बहुत कम होंगे क्योंकि हमारा जो है हीटिंग इफेक्ट कम कटिंग फोर्स बींग लो दर्क पीस इज अनस्ट्रेस कोई स्ट्रेस प्रोड्यूस नहीं होंगे कोई residual stresses नहीं होगा, होगा, होगा तो work material जो है वो unstressed होगा, undistorted होगा, और फ्री फ्रॉम हीट इफेक्ट होगा ओके सो दिस इज यू एस एम नाउ वी कम टू दी प्रोसेस एम सो अगर प्रोसेस पैरामीटर्स की बात करें तो प्रोसेस पैरामीटर्स में क्या आ जाएगा जो कि परफॉर्मेंस को यू एस एम की परफॉर्मेंस को अफेक्ट करेंगे सो हेयर वी हैव ऑल्सो यूज इशिकावा कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम सो वी कैन सी हेयर देयर आर फोर मेजर फैक्टर्स विच कैन अफेक्ट द परफॉर्मेंस फर्स्ट वन इज द दब्रेसिव स्लरी अब्रेसिव स्लरी मशीन ओके वी कैन यूज द एब्रेसिव स्लरी और द टाइप ऑफ मशीन दैट वी आर यूजिंग द टूल एंड दर्क पीस सो इफ वी टॉक अबाउट दी abrasive slurry. So, in case of the abrasive slurry basically uh, in this what type of characteristic we will look, we will see the type and the size of the abrasive that we are using or the shape of abrasive that we are using. Okay. Then we will see the types of the fluid okay. So these will be the parameters that we will go. Okay. Then we will वी हैव दी टूल टूल मेटीरियल प्रॉपर्टीज जो है और टूल की जोमेट्री जो है दैट विल ऑल्सो प्ले ए वेरी इम्पोर्टेंट रोल इन दी परफॉर्मेंस ऑफ दी यू एस एम प्रोसेस तो शेप जो है वो टूल की शेप क्या है सॉलिड टाइप का टूल यूज़ कर रहे हैं या होलर टूल को यूज़ कर रहे हैं या मैकेनिकल प्रॉपर्टीज जो है उस मटेरियल की क्या है जिससे कि हमारा टूल बना हुआ है या दूसरे पैरामीटर्स जो हैं वो भी अफेक्ट कर सकते हैं जैसे मैकेनिकल प्रॉपर्टी शेप हो गई मटेरियल की प्रॉपर्टीज सरफेस हो गया नेक्स्ट वी कम टू दर्क पीस प्रॉपर्टीज़ वर्क पीस की प्रॉपर्टीज़ क्या है जैसे कि हार्डनेस जो है वो वर्क पीस की कितनी अगर बहुत ज़्यादा हार्ड मटेरियल है तो दैट विल ऑल्सो अफेक्ट दी परफॉर्मेंस ऑफ यू एस एम या फ्रैक्चर करेक्टरस्टिक्स क्या है स्ट्रेंथ क्या है ठीक है या फिर वर्क हार्डनिंग टेंडेंसी जो है या फटीक प्रॉपर्टीज जो हैं वर्क मटेरियल की सो दीज आर दी फैक्टर्स विच विल आल्सो अफेक्ट नेक्स्ट वी कम टू दी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज सो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में अगर हम देखें तो मैकेनिकल नहीं मशीन मशीन प्रॉपर्टीज की अगर बात करें तो यहाँ पे जो है ये वो पैरामीटर्स है जो कि हम मशीन पे सेट करते हैं ठीक है एंड दिस विल इंक्लूड द फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड जो है टूल का टूल का कितना होगा एम्पलीट्यूड या टूल किस फ्रीक्वेंसी से जो है वो उसकी टूल की फ्रीक्वेंसी क्या है या एम्पलीट्यूड क्या है कितना वाइब्रेशंस जो हैं उसके टूल के अंदर है या फिर स्टैटिक लोड जो है वो क्या अप्लाई कर रहे हैं टू फीड द टूल टुवर्ड्स द वर्कपीस या वर्कपीस रोटेशन जो है या टूल हेड रोटेशन है तो ये सारे पैरामीटर्स हैं जो कि एक प्रोसेस को अफेक्ट कर सकते हैं नाउ वी कम टू द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द एजीएम सो एजीएम की एडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो एजम में क्या एडवांटेजेस हो जाएंगी एजीएम प्रोसेस इज़ ए हाईली फ्लैक्सीबल प्रोसेस बहुत ज़्यादा फ्लैक्सीबल प्रोसेस है जिसके अंदर की अब्रेसिव मीडिया जो है वो यूज़ किया जाता है बाय फ्लैक्सीबल होज विच कैन रीच आउट ऑफ सम डिफिकल्ट एरियाज एंड इंटरनल रीजनस सो यहाँ पर जो है नोज़ल यूज़ कर रहे हैं तो नोज़ल जो है वो कहीं पर भी इंटीग्रेट जो एरियाज हैं या जो डिफ़िकल्ट एरियाज़ है जहाँ तक रीच करना तो उन एरियाज़ में भी ये मशीनिंग ऑपरेशन को परफॉर्म कर, so कर सकती है सो इट इज़ ए वेरी फ्लैक्सीबल वर्क द एज एम प्रोसेस क्रिएट्स द लोकलाइज्ड फोर्सेज एक पर्टिकुलर एरिया में ये फोर्सेज को लोकलाइज कर सकती है एंड जनरेट कर सकती है लेटर ही और इट विल जनरेट द लेटर लेसर हीट देन द कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस तो अगर कन्वेंशन के बीच में कंपेरिजन करें तो यहाँ पर जो हीट के कारण जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो बहुत कम होंगी देर इज़ नो डैमेज टू दर्क पीस सर्फेस वर्क पीस सर्फेस का कोई डैमेज नहीं होगा क्योंकि ये प्रोसेस जो है इसमें हमारा टूल और वर्क पीस के बीच में कोई कॉन्टेक्ट नहीं है तो यहाँ पे लेस अमाउंट ऑफ हीट जो है वो जनरेट होगी तो जो भी इश्यूज जो होंगे वो यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएंगे द मटेरियल रिमूवल रेट इज़ लो सो दिस विल बी द डिसडवाटेज ऑफ द नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस एक्चुअली कि यहाँ पे मेटेरियल रिमूवल रेट जो है वो लो होता है अदर डिस एडवांटेजेस क्या है कि ये जो है हार्ड और ब्रिटल मटेरियल तक ही लिमिटेड है ये प्रोसेसेस क्योंकि सॉफ्ट मटेरियल को तो हम कन्वेंशनल मशीनिंग की हेल्प से भी इजीली मशीन कर सकते हैं तो दीज आर लिमिटेड टू दी हार्ड एंड ब्रिटल मटेरियल ओनली एंड द वियर रेट ऑफ नोजल इज़ वेरी हाई क्योंकि अब्रेसिव पार्टिकल्स उसके अंदर से फ्लो कर रहे हैं तो यहाँ पर वियर रेट बहुत ज़्यादा होगा नोज़ल का द प्रोसेस रिजल्ट द पुअर मशीनिंग एक्यूरेसी यहाँ पे अगर स्टैंड ऑफ डिस्टेंस को हमने मेनटेन नहीं किया तो यहाँ पे क्या होगा हमें पूर आ, जो है मशीनिंग एक्यूरेसी एक्यूरेसी हमें नहीं मिलेगी अगर हम एडवांटेज डिसएडवांटेजेज ऑफ यू एस एम अल्ट्रासोनिक मशीनिंग की बात करें तो बिकॉज देर इज़ ऑल्सो नो कॉन्टैक्ट बिटवीन द टूल एंड दर्क पीस इट ड्यू टू द स्लरी क्योंकि एक अब्रेसिव स्लरी हम यूज कर रहे हैं एज ए मीडियम तो यहाँ पे क्या होगा इट विल मेक इट ए वेट कटिंग प्रोसेस वेट कटिंग प्रोसेस है इसका मतलब क्या हुआ कि जो सरफेस प्रोड्यूज होंगे वो फ्री होंगे किससे स्ट्रेसेस और डैमेज से कोई डैमेज नहीं होगा वर्क पीस में कोई स्ट्रेसेज नहीं होंगे द प्रोसेस इज फ्री फ्रॉम दर्थ बर्थ एंड द डिस्ट्रोशन ऑल्सो दिस प्रोसेस इज सुटेबल फॉर एनी मेटीरियल इज रिस्पेक्टिव ऑफ द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सो कई प्रोसेस में क्या होता है कि ये मटेरियल जो है वो हमारा इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव होना चाहिए बट यहाँ पे जो है ऐसा केस नहीं है कि हम इसको किसी भी मटेरियल के लिए इस प्रोसेस को यूज़ कर सकते हैं द प्रोसेस इज़ वेरी मच सुटेबल फॉर द मशीनिंग ब्रिटल मटीरियल ब्रिटल मटीरियल जो है उसके लिए बेस्ट प्रोसेस है द प्रोसेस ऑफ अ गुड सरफेस फिनिश और स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी तो यहाँ पर जो सरफेस फिनिश है वो एज़ कम्पेयर टू ए वो काफ़ी अच्छी मिलेगी डिसएडवांटेजेस क्या हैं सॉफ्ट मटेरियल जो जैसे कि लेड हो गया या प्लास्टिक्स हो गया उसको मशीनिंग जो है इसके लिए सुटेबल नहीं है क्योंकि इसकी कॉस्ट भी होती है तो उसको हम कन्वेंशन के लिए यूज़ करेंगे द टूल वियर रेट जो है वो भी बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि टूल जो है हमारा किसके कांटेक्ट में अग्रेसिव के कांटेक्ट में रहता है द एरिया ऑफ मशीनिंग एंड हायर डेप्थ आर कंस्टेंट इन यू एस एम यहाँ पे जो एरिया ऑफ मशीनिंग ऑपरेशन है वो भी एक लिमिटेशन होगा और जो डेप्थ होगी वो भी एक लिमिटेशंस रहेगी एज द यू एस एम प्रोसेस कंटिन्यूज़ द लेटरल वियर ऑफ द टूल इंक्रीजेज जितना हम लॉन्ग टर्म uh, में या जितनी ज़्यादा जो है यू प्रोसेस को करेंगे उतने ही ज़्यादा जो है टूल का वियर ग्रेजुअली इंक्रीज होता रहेगा विच विल लीड टू द होल टेपर तो टेपर टाइप का जो होल है वो क्रिएट हो जाएगा ओके दीज आर दी रेफरेंसेस so this is all from my side uh, for the agm and usm process and in the subsequent lectures we, we are we will discuss about the other non traditional processes so till then thank you so much